छत्तीसगढ़ के कोरबा में बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ तो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को ही ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए वसूल लिए। युवती ने लड़के के खिलाफ यौन शोषण की झूठी FIR दर्ज करा दी, फिर उसे वापस लेने के लिए रुपए ले लिए। इसके बाद थाने में शिकायत करने के नाम पर 1 लाख और मांगने लगी। इस बार युवक ने मोबाइल पर सब रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रामपुर चौकी क्षेत्र निवासी इंदु उर्फ इंदिरा चंदा का मुकेश महतो के साथ प्रेम प्रसंग था। कुछ समय बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बातचीत बंद हो गई। आरोप है कि इसके बाद इंदु चंदा ने मुकेश महतो को कॉल किया और उसे यौन शोषण में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए मांगे। मुकेश महतो ने इतनी रकम देने में असमर्थता जताई। इस पर इंदु चंदा ने मुकेश महतो के खिलाफ रामपुर चौकी में शिकायत दे दी। इसके बाद इंदु चंदा ने मुकेश को कॉल किया और थाने में शिकायत की जानकारी दी। इस पर जेल जाने के डर से मुकेश ने इंदु चंदा से बात कर 2,30,000 रुपये दे दिए और केस वापस लेने को लेकर समझौता कर लिया। इसके बाद इंदु चंदा शपथ पत्र बनवाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। कुछ समय बाद फिर इंदु ने मुकेश के खिलाफ शिकायत की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रही थी लेकिन इंदु ने FIR पर साइन करने से इनकार कर दिए। इसके बाद मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सका। वही इंदु ने फिर से शपथ पत्र देकर शिकायत वापस ले ली। इस पर मुकेश से रुपये मांगे। मुकेश ने अपनी और इंदु चंदा से रकम लेने के संबंध में की गई बातचीत रिकॉर्ड कर ली, साथ ही रकम देते समय वीडियो भी बना लिया। इन सभी वीडियो और ऑडियो की सहायता से मुकेश ने इंदु चंदा के खिलाफ रामपुर चौकी में शिकायत की। मुकेश ने अपनी और इंदु चंदा से रकम लेने के संबंध में की गई बातचीत रिकॉर्ड कर ली, साथ ही रकम देते समय वीडियो भी बना लिया। इन सभी वीडियो और ऑडियो की सहायता से मुकेश ने इंदु चंदा के खिलाफ रामपुर चौकी में शिकायत की। इसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर आरोपी इंदु चंदा को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ITN।